हम सब रोज जज की कुर्सी पर बैठे होते हैं क्योंकि हमें फैसले लेने होते हैं, अपने जिंदगी से जुड़े हुए डिसीशन, फैसले, स्पेशली व्हेन द क्वेश्चन इज ऑफ आवर लाइफ एंड डेथ, अपने हेल्थ के फैसले। बाईपास सर्जरी कराना है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है, सप्लीमेंट खाना है, टीवी में दिखाया है, बच्चों को वैक्सीन लगाना है, सरकार का आदेश है। दीज आर नोन एज डिसीशन बेस्ड ऑन मास ओपिनियन। लेकिन जरा सोचिए, हमारे देश के न्यायालय में बैठे जज जब वो फैसला लेते हैं तो क्या तब भी वो डिसीजन लेते वक्त मास ओपिनियन को कंसिडर करते हैं? इमेजिन कीजिए सिचुएशन, कोर्टरूम का, जज बैठे हैं और कटघरे पे हैं संजय दत्त। जज ने जब फैसला लिया संजय दत्त एक क्रिमिनल है, तो बेसिस क्या था? सिर्फ एक, सबूत क्या कहता है, एविडेंस क्या कहता है? जरा सोचिए, अगर जज भी इन्फ्लुएंस हो जाते कि मीडिया कहता है संजय दत्त तो सुपरस्टार है, कॉमन परसेप्शन यह संजय दत्त एक हीरो है, मास ओपिनियन यह है कि संजय दत्त तो मुन्ना भाई है, अगर ये बेसिस होता डिसीजन का तो ऐसे डिसीजन को आप क्या कहते? बहुत बेइंसाफी है ये। अब आपकी बारी है, न्यायाधीश बनिए, इंसाफ कीजिए, डिसीजन लीजिए, बट नॉट बेस्ड ऑन मास ओपिनियन। डॉक्टर क्या कहते हैं, कॉमन प्रैक्टिस क्या है, भेड़ चाल क्या है, बट बेस्ड ऑन एविडेंस क्या कहता है, सबूत क्या कहता है? एग्जाम्पल के तौर पे इमेजिन कीजिए, आपके दोस्त को हार्ट अटैक आ गया, सामने इमरजेंसी रूम है, इमरजेंसी रूम ए, यहाँ ऑक्सीजन की फैसिलिटी है, इमरजेंसी रूम बी, यहाँ कोई ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं है। कौन से रूम में ले जाने से उसके सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएंगे? अगर आप डॉक्टर्स ओपिनियन लेंगे तो सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर आप पेशेंट को, हार्ट अटैक के पेशेंट को ऑक्सीजन वाले इमरजेंसी रूम ले जाएं जहाँ पे ऑक्सीजन की फैसिलिटी है। लेकिन एविडेंस क्या कहता है, सबूत क्या कहता है? कॉकरेन रिव्यू 2010 के अनुसार ये देखा गया कि जब जब हार्ट अटैक के पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है तब तब उसके मरने के चांसेस 3 गुना बढ़ जाते हैं। सो 2010 में हार्ट अटैक के प्रोटोकॉल बदल गए, यानी कि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट को कभी भी ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाना चाहिए। आज इट इज 2019 और आज भी भारत के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में हर जगह जब भी कोई हार्ट अटैक का पेशेंट अपीयर होता है तो सबसे पहले उसके मुंह में मास्क लगा दिया जाता है, ऑक्सीजन मास्क, उसके मरने के चांसेस बढ़ा दिया जाता है। सो मास ओपिनियन, डॉक्टर्स ओपिनियन, कॉमन बिलीफ कैन बी लीथल एंड किलिंग। एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आना ही है तो कहाँ पे हार्ट अटैक आने से उसके रिवाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे? ए, हॉस्पिटल के अंदर ही अगर हार्ट अटैक आए, या बी, हॉस्पिटल से दूर कहीं हार्ट अटैक आए। कॉमन बिलीफ ये कहता है, लॉजिक ये कहता है कि हॉस्पिटल के अंदर किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसके जीने के चांसेस, उसके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन एविडेंस क्या कहता है, सबूत क्या कहता है? जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 2013 के रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया है कि जब जब पेशेंट के हार्ट अटैक हॉस्पिटल सेटअप में होते हैं तब तब उनके मरने के चांसेस 3 गुना बढ़ जाते हैं, 3 times। इसका मतलब अगर वो पेशेंट, किसी को हार्ट अटैक आना ही है तो जितना वो दूर रहेगा हॉस्पिटल से उतना उसके रिवाइवल या बचने के या जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एज मच एज 3 times। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए किसी का ब्लड शुगर है, फास्टिंग ब्लड शुगर 250, तो उसे क्या करना चाहिए? ए, डायबिटीज की दवा लेके ब्लड शुगर को कम करना चाहिए ताकि उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाए, या बी, कोई दवा नहीं लेनी चाहिए, ब्लड शुगर इतना ही रहने दें ताकि लाइफ स्पैन बढ़ी रहे। डॉक्टर्स ओपिनियन कहता है कि दवा लेनी चाहिए तुरंत, ब्लड शुगर को घटा दो, लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी। लेकिन एविडेंस क्या कहता है, सबूत क्या कहता है? एडवांस ट्रायल, एकॉर्ड ट्रायल, UKPDS ट्रायल, दुनिया के जितने बड़े बड़े ट्रायल हैं ऑन डायबिटीज पेशेंट्स, वो सारे ट्रायल का नतीजा एक ही है कि जब जब डायबिटीज के पेशेंट्स दवा लेके ब्लड शुगर को घटाते हैं तब तब उनकी लाइफ स्पैन भी साथ ही साथ घट जाती है, उनके कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। इसीलिए 6 मार्च 2018 में डायबिटीज के गाइडलाइन बदल गए हैं, व्हाट इज नोन एज न्यू ACP गाइडलाइन। और अगर इस गाइडलाइन का स्टेटमेंट नंबर 1 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे डॉक्टरों को डिस्करेज किया गया है कि हाई ब्लड शुगर के पेशेंट को दवा देके ब्लड शुगर को घटाना, इट इज समथिंग विच विल किल मोर पेशेंट। सो रेयरली कभी दवा देके, वो भी टेम्पररीली, ब्लड शुगर को घटाना चाहिए। एक आखिरी सवाल, मान लीजिए दुनिया के सारे हॉस्पिटल से अचानक डॉक्टर्स गायब हो जाए, हड़ताल पर चले जाए, तो ए, पेशेंट की हालत खराब हो जाएगी,
पेशेंट के मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो पेशेंट जल्दी मरेंगे। बी, पेशेंट की हालत अच्छी हो जाएगी, पेशेंट कम मरेंगे। कॉमन ओपिनियन ये कहेगा या लॉजिक ये कहेगा कि पेशेंट की हालत खराब हो जाएगी, उनके मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उनकी मॉर्टलिटी रेट हाई हो जाएगी। लेकिन एविडेंस क्या कहता है, सबूत क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2000, ये देखा गया कि दुनिया में जब जब कभी भी डॉक्टरों की स्ट्राइक होती है, वहाँ के हॉस्पिटलों की, वहाँ के पेशेंट्स की जो मॉर्टलिटी रेट है वो घट जाती है, उनकी हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। एक्चुअली डॉक्टर्स डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स योर हेल्थ, दे जस्ट मेक यू इवन सिक, दैट इज वॉट इज द एविडेंस सेज। एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में मेडिकल साइंस में बहुत सारे बदलाव आए हैं, जो डॉक्टर्स की करेंट नॉलेज है वो पूरी तरह ऑब्सोलीट हो चुकी है। अब समय आ गया है एक बार फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का। मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में पहली बार आपके पास है अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट द इनसाइड स्टोरी ऑफ मॉडर्न मेडिसिन इनसाइड द मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में रहते हुए एविडेंस बेस्ड मेडिकल साइंस को सीखने का अवसर। मैं आपको इनवाइट करता हूं 15, 16 और 17 मार्च 2019 संत हृदयराम मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथिक साइंसेज में, जो कि भोपाल में है। 3 दिन का मेडिकल ट्रेनिंग, एविडेंस बेस्ड मेडिकल ट्रेनिंग विद इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, अ प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन विच कैन हेल्प यू बिकम अ सक्सेसफुल एविडेंस बेस्ड हेल्थ प्रैक्टिशनर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल कीजिए। टू ब्लॉक द सीट्स, आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी, सो दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ द चेंज, द एंड ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। और आप में से जो लोग डायबिटीज एजुकेटर्स हैं, सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर फ्रॉम इंडो वेतन मेडिकल बोर्ड, उनके लिए एक और अवसर। वो अपने मेल में ये भी लिख दें कि हम डायबिटीज एजुकेटर हैं और अपना सर्टिफिकेट की कॉपी भी हमें मेल कर दें, तो उनके लिए एक प्रिविलेज पास है, स्कॉलर्स पास। मतलब उस कॉन्फ्रेंस में, उस 3 दिन के ट्रेनिंग में आपके लिए है कुछ प्रिविलेजेस बिकॉज यू आर सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर। तो मैं मिलूंगा आपको 15, 16, 17 मार्च भोपाल में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।